गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आप सबका स्वागत है 30 डेज 30 गेम चैलेंज में। और गाइसर हम लोग आज खेलने जा रहे हैं ये खतरनाक सा गेम जिसका नाम है राव। अभी गाइसर आप देख सकते हो हमारे पास ये चार लकड़ी के टुकड़े जिनके ऊपर हम घूम रहे हैं पूरे समुंदर के ऊपर। और गाइसर हमें जमा करना है ये पूरा का पूरा समुंदर का कचरा ताकि अपनी राफ्ट को हम कर सके बहुत ही ज्यादा बड़ा, और उसके बाद हम समुंदर में बहुत सारा खजाना भी ढूंढ सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो मुझे बहुत सारा सामान चाहिए होगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने लिए टूल्स वूल्स भी बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सामान वामान जमा कर लेते हैं, और वो बड़ा वाला बॉक्स आ रहा है वो मुझे चाहिए होगा क्योंकि गाइसर बड़े वाले बॉक्स में ज्यादा ज्यादा सामान होता है और वो मैंने पीछे ही छोड़ दिया। अभी हमारी राफ्ट पानी के बहाव से चलने वाली है। अभी मेरे पास चप्पू वप्पू भी नहीं है कि मैं इसको कहीं लेके जा सकूं, तो मुझे ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और गाइसर ये एक समुंदर है तो आपको तो पता है समुंदर में क्या होता है, खतरनाक खतरनाक शार्क। तो अभी आपको शार्क से मिलना है, अभी मिलवाता हूँ। शार्क बेटी इधर आओ, वो देखो वो ही सामने शार्क। अगर उसने मुझे देख लिया कि मैं पानी में हूँ तो मेरे पर अटैक कर देगी, तो मुझे उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। मुझे शार्क वार्क से मरना नहीं, तो फटाफट से ये प्लास्टिक भी हमसे उठा लेते हैं। प्लास्टिक, वुड, लीव्स, ये सब चीजें हमें काम आने वाली है। तो आप देख सकते हो वो ही सामने शार्क। आजा आजा, डरता हूँ मैं तेरे से, आजा आजा आजा, सही सही में आ गई यार, एक ही बारी में इतना सारा खून पी गई मेरा। तो गाइस अभी हम जाएंगे, अभी हम अपने लिए थोड़ी रोप्स बनाने वाले, तो यहाँ पर बना लेते हैं रोप, उससे हमारा बन जाएगा बिल्डिंग हैमर। तो बिल्डिंग हैमर यहाँ पर हमने बना दिया है जो कि हमारी मदद करने वाला है यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स बनाने में। तो पहले थोड़ा सामान वामान जमा कर लेते हैं और इस शार्क से दूर रहते हैं ताकि हम अपनी बोट को, राफ्ट को, सबको बड़ा कर सके, और फिर हमें बड़े बड़े आइलैंड पर जाकर खजाना भी ढूंढेंगे। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, फटाफट से जमा कर लेते हैं। ये एक और प्लास्टिक मेरे पास आ गया। अभी तो सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लकड़ियां, प्लास्टिक और लीव्स है। जितनी ज्यादा ये हमें मिलेगी उतनी ज्यादा हमारी राफ्ट और भी ज्यादा बढ़िया होती जाएगी। तो फटाफट से ये बड़ा वाला डब्बा भी मिल चुका है, और गाइस आप देख सकते हो हमें यहाँ पर रॉ बीट मिल चुका है, इसको हम खा सकते हैं। अभी तो ये कच्चा है, इसको हम पकाएंगे तो हमारी हेल्थ पूरी की पूरी फुल होने वाली है। और गाइस ये क्या, मुझे वहाँ पे सामने एक आइलैंड दिखने लग चुका है, पर वहाँ पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास अभी चप्पू वप्पू भी नहीं है। और पैडल के लिए मुझे चाहिए प्लास्टिक और रोप, तो रोप तो हम बना सकते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर रोप बना लेते हैं, और मुझे थोड़ा प्लास्टिक चाहिए, तो फटाफट से प्लास्टिक जमा करते ताकि हम चप्पू बनाकर सामने वाले आइलैंड पर जा सके। ये भी मेरे पास आ गया, और मेरे पास यहाँ पर रॉक भी मिल चुका है, मुझे लगता है इतना बहुत होगा। अरे एक और प्लास्टिक चाहिए, एक और प्लास्टिक जमा कर लेते हैं फटाफट से। लेट्स गो डन, फटाफट से यहाँ पर क्राफ्ट करते हैं पैडल, और आप देख सकते हो हमने यहाँ पर पैडल क्राफ्ट कर दिया है, और हम जाने वाले सीधा उस आइलैंड पर। थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ा दी है, पर गाइस हमारे पास सामान बिल्कुल कम हो जाएगा, तो मुझे सामान भी बीच बीच में कलेक्ट करते रहना चाहिए। हमारी बोट धीरे धीरे उसी तरफ जा रही है, तो फटाफट से सारा का सारा सामान जमा करते रहते हैं, और फिर थोड़ा चप्पू चला लेंगे। अभी तो ये सारा का सारा सामान हमें खुद के हाथों से जमा करना पड़ रहा है, पर थोड़े टाइम प्रोग्रेस करने के बाद हम अपने लिए बना सकते हैं खतरनाक खतरनाक नेट्स जो कि मदद करेंगे ये सारा का सारा सामान जमा करने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास सेल भी है जो कि ऑटोमेटिकली हमें लेके जाएगी जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो अभी फटाफट से सारा सामान जमा करते जाते हैं, आजा तू भी आजा। और अभी आइलैंड बहुत ही ज्यादा पास आ चुका है, तो फटाफट से आइलैंड की तरफ ले लेते हैं अपनी राफ्ट को। और एक सेकंड, ये क्या, अबे ये क्या चल रहा है, ए, फुट, 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 फुट। अरे मैं इसको कैसे मारूं, इस हथौड़े से तो मैं मार भी नहीं सकता। ये शार्क की बच्ची मेरा राफ्ट खा गई, अब मुझे अपनी राफ्ट को साइड में पार्क लगा देना चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास एंकर नहीं है, और अगर मैंने अपनी राफ्ट को ऐसे छोड़ दिया तो ये पानी में चली जाएगी कहीं ना कहीं। और गाइस अभी आप देखो यहाँ पर थोड़े फ्लावर वलावर पड़े हैं, मैं फ्लावर ले सकता हूँ, मेरी राफ्ट तो खड़ी है ना। और कुछ खाने वाने का मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा। ब्लैक फ्लावर यहाँ पर मुझे मिल चुका है, यहाँ पर और कुछ क्या, फ्लावर ही फ्लावर मुझे मिलते जा रहे हैं। और यहाँ पर ये ट्री है, इसको मैं तोड़ तो सकता हूँ, पर मुझे उसके लिए एक्स चाहिए होगी। वो देखो मेरी राफ्ट कहाँ निकल चुकी है, अबे रुक जा, कहाँ जा रही है। मैं इसी के बारे में तो बोल रहा था, अगर मैंने अपनी राफ्ट को ज्यादा देर के लिए छोड़ा तो वो अपने आप ही घूमने निकल जाएगी। तो फटाफट से अपन निकल लेते हैं पानी की तरफ ताकि हम सामान जमा कर पाए। अभी आइलैंड पर जाने का भी मतलब नहीं था क्योंकि वुड तोड़ने के लिए मेरे पास एक्स तो है ही नहीं, एक्स बनाने के लिए हमें थोड़ा और सामान चाहिए होगा। तो गाइस जल्दी जल्दी मैं बहुत सारा सामान जमा करता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारी राफ्ट मैंने थोड़ी बहुत बड़ी यहाँ पर कर दी है लकड़ी और प्लास्टिक की मदद से, और यहाँ पर दो तीन चेस्ट भी मैंने भर दिए, बहुत सारा सामान जमा कर लिया। और गाइस अभी अभी मैंने देखा कि हमें खाना और पानी भी चाहिए होता है, ये सब तो मैं भूल ही गया था, इसलिए मुझे जल्दी से खाना पानी भी बनाना पड़ेगा।
तो गाइस यार अभी हम यहाँ पे देखते हो सिंपल ग्रिल हमें चाहिए होगी जिसमें हम खाना पका पाएंगे और सिंपल प्योरीफायर भी चाहिए होगा। पेपर लकड़ी खत्म हो गई, रुक जाओ यहीं पे कहीं पे पड़ी होगी लकड़ियां, यहाँ पर पड़ी है, इनको फटाफट से ले ले, कहाँ फेंक दिया, इसको फटाफट से लेके यहाँ पर सिंपल प्योरीफायर भी हमने लगा दिया है और ये भी लगा दे। और हाँ, प्योरीफायर के लिए मुझे ग्लास भी चाहिए होगा ताकि मैं उसमें पानी पी सकूं, तो ग्लास कहाँ मिलेगा। ये रहा एम्प्टी कप, इसके लिए चाहिए हमें थोड़ा प्लास्टिक, तो फटाफट से ये कप भी क्राफ्ट कर देते हैं। तो गाइस यार कप में हमें भरना है पानी, पे इसके अंदर डाल देना है और इसमें हमें लकड़ा देनी है लकड़ियां ताकि ये पानी पूरा का पूरा गर्म हो जाए। और अब मुझे इसके लिए चाहिए थोड़ा खाना। तो गाइस यार अभी लगता है मैं खाना पकड़ना तो यहाँ पर भूल चुका हूँ, तो मुझे मछली पकड़नी पड़ेगी और उसके लिए बेट चाहिए होगा। मेरे पास बेट भी नहीं है, तो मेरे पास एक खतरनाक सा आइडिया है, हम शार्क को पकड़ने वाले हैं। तो गाइस यार फटाफट से कूद जाते हैं पानी में और ये शार्क आएगी और मैं इसको मारूंगा। रुक जा मोटी, मैं नहीं छोड़ूंगा, ये पानी में जा रही है, अगर ज्यादा देर पानी में अंदर में रहा तो मैं मर भी सकता हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा ऊपर भी रहना पड़ेगा। जैसे ये शार्क आएगी मैं इसको मारना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मुझे चाहिए बहुत सारा खाना और मेरी राफ्टी मेरे से दूर जा चुकी है, तो मुझे थोड़ा सा पास जाना पड़ेगा। अब कौन मार रहा है बदतमीज, इधर ये शार्क की बच्ची, तू नहीं बचने वाली। और ये क्या, मेरा भाला यहाँ पर टूट चुका है, मुझे जल्दी से अपनी राफ्ट के पास पहुंचना पड़ेगा, मुझे एक और भाला बनाना पड़ेगा। आज मैं शार्क को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, दीदी सॉरी, जल्दी जल्दी भागो 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 भागो। और ये चढ़ गया, बच गया, मुझे लगा था आज मैं मर ही जाऊंगा। अब ये बन जाएंगे थोड़े वेपन्स में, हमें चाहिए वुडन स्पेयर, तो यहाँ पर एक स्पेयर हमने बनवा लिया। वापस से कूद जाते हैं पानी के अंदर। कहाँ पर है शार्क, अबे रुक जा, मेरी बोट खा रही है, मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। ये ले मेरी बोट खाएगी, मेरी बोट खाएगी, छोड़ मेरी बोट, छोड़ मेरी बोट, इसको आज मैं नहीं छोड़ने वाला। कहाँ भाग रही है, इतनी बार बार नीचे भाग जाती है। आजा 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 आजा, फिर से आ गई, इस बार तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, मर जा। तो कैसे ये शार्क फिर से आ रही है, ये ले मर गई आखिरकार, फाइनली मैंने इसको यहाँ पर मार दिया। और रॉ शार्क मीट हमें कितना सारा मिल चुका है। और ये क्या, यहाँ पर तो टोर्टोइस भी है, रुक जा इसको भी मारूंगा, रुक जा। शार्क को तो मैंने मार दिया, अब टोर्टोइस भी खाना है मुझे। पहले मेरी राफ्ट ढूंढ लेता हूँ, इतनी रात हो चुकी है, मेरी राफ्ट कहाँ है, अबे मेरी राफ्ट कहाँ जा रही है, रुक जा मुझे जाना पड़ेगा उसके पास फटाफट से, वरना रात के अंधेरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और मैं कहीं मर मरा ना जाऊं। फटाफट से चलते अपनी राफ्ट के पास। और गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग अपनी राफ्ट के पास आ चुके हैं और गाइस हमने शार्क को फाइनली यहाँ पर मार दिया है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर रखेंगे थोड़े से प्लैंक और ये शार्क मीट जो मिला है ये भी यहाँ पर रख देते हैं। और अभी सोने का भी टाइम यहाँ पर हो चुका है, तो मुझे बेड भी बना लेना चाहिए। फटाफट से जाएंगे सिंपल बेड में, हमारे पास लीफ है कि मेरे पास लीफ है, यहाँ पर पड़ी है, इसको लीफ को अपने पास रख लेते हैं। प्लास्टिक में जाएंगे और थोड़े प्लैंक भी चाहिए, प्लैंक यहाँ से ले लेते हैं। और ये डन, हमारा बेड यहाँ पर बन चुका है। फटाफट से इसको यहाँ पर रखते हैं और इस पे सो जाते हैं। तो गाइसर हमारा डे हो चुका है खत्म और गाइसर हमारा खाना भी बनने वाला होगा। अभी यहाँ पर सुबह हो चुकी है पर अभी भी लग रहा है रात बन गई है। अभी मैंने ज्यादा प्लैंक यहाँ पर लगाया नहीं, तो लगता है इसको और भी पकाना पड़ेगा। और यहाँ पर पानी बन गया क्या, इसको फटाफट से भर लेते हैं। और गाइसर हमने अपना सबसे पहला पानी बना लिया है। तो गाइसर अभी हमने अपना पहला पानी पी लिया और हेल्थ हमारी बिल्कुल फुल हो चुकी है। और ये क्या, हमारा शार्क मीट भी बन चुका है। चलो फटाफट से इसको खा लेते हैं, नम 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 नम, कितना टेस्टी है। खुद के हाथ से पकड़ा हुआ मीट बहुत ही बढ़िया लगता है। और गाइस यार मुझे ये खतरनाक सी शार्क हेड भी मिली है जो कि अपने सर के ऊपर लगा सकते हैं। जितनी बार शार्क हम मारेंगे हमको ये मिलने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो मेरे पास अभी और भी शार्क मीट है, इसको यहाँ पर रख देते हैं और बाकी का अपन रख देंगे स्टोरेज के अंदर। और ये इसको लकड़ी को पकड़ लेते हैं, एक सेकंड, मुझे इसको हटाना पड़ेगा, अजीब सा लग रहा है। और गाइस यार यहाँ पर मुझे एक कांदा भी मिल चुका है, इसको भी हम पका सकते हैं। और गाइस यार आप देख सकते हो मुझे एक और आइलैंड सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, अभी थोड़ा सा गायब होगा बादल की वजह से, उस साइड है कि उस साइड है, दोनों साइड एक एक आइलैंड है, किधर जाया जाए ये थोड़ा पास में लग रहा है, इसके पास चलते हैं। चलो गाइस यार देखते हैं, इस बार मेरे पास बहुत सारी चीजें, मैं आइलैंड पे बहुत चीजें कर पाऊंगा। शार्क को तो हमने मार दिया, पर गाइस यार देखो अभी पानी में जाऊंगा ना, एक और शार्क है, इधर बहुत सारी शार्क होती है सही में। और गाइस यार मुझे एक टॉर्टोइस भी पकड़ना है, रुक जाओ, अरे शार्क उधर घूम रही है, इस बार मैं मरना नहीं चाहता, फटाफट से अपनी बोट को लेकर चलते हैं उस तरफ। और एक सेकंड, मैंने एक और चीज बनाई थी जो की थी सेल, सेल कहां पे गई, सेल कहां पे गई, सेल हमारी मदद करने वाली है दूर दूर जाने के लिए, वो सेल कहाँ चली गई। तो गाइस यार यहाँ पर आप देखते हो सेल आ चुकी है, अभी हम यहाँ पर दो सेल अपने लिए बनाने वाले हैं और ये डन। और बड़ा
एफर्ट्स इन सेल्स को लगा देते हैं यहाँ पर, ताकि ये बहुत ही तेज हमारी बोट को चलाने लग जाए। इसको भी लगा दिया, इसको भी हम ओपन कर देंगे और हमें उस तरफ जाना है आइलैंड की तरफ, तो इसको भी कर देते फटाफट से ओपन और इसको भी रोटेट कर देंगे उस तरफ। और अब हमारी देखो कितनी तेज चलने वाली हमारी ट्रेन, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, मतलब राफ्ट। इसको फटाफट से लेकर चलते हैं आइलैंड की तरफ। हवा यार उस तरफ चल रही है, रुक जाओ, मुझे टोर्टोइस पकड़ना है, इसको तो पकड़ के रहूंगा। ये ले, रुक जा, ये ले, मर जा। अबे वो शार्क की बच्ची कहां से गई, अबे रुक जा टोर्टोइस। और ये क्या, मैंने उसको मार दिया और वो मर तो गया पर कुछ मिला नहीं। मुझे लगा कुछ टोर्टोइस का भी हेलमेट वेलमेट मिल जाए, पर यहाँ पर मुझे कुछ मिला नहीं है। तो जब तक अपनी राफ्ट को थोड़ा बड़ा कर लिया जाए, यहाँ पर अपने बड़ा कर देते इसको, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कर देंगे अपनी राफ्ट को, लेट्स गो। यहाँ पर शार्क यहाँ पे खा भी गई थी तो इसको भी बड़ा कर देते। प्लैंक्स खत्म हो गए, इसमें जाएंगे थोड़े से प्लैंक्स और ले लेते हैं और इसको और भी बड़ा कर देते। जितनी ज्यादा बड़ी राफ्ट उतना ज्यादा मजे आएंगे, फटाफट से यहाँ पर भी लगा देंगे। और गाइस आइलैंड थोड़ा सा उस तरफ है तो हमें इसको थोड़ा सा उधर घुमा लेना चाहिए ताकि आइलैंड पे ये पहुंच जाए आराम से। और मुझे एक सैडल और चाहिए तो सैडल भी हमने यहाँ पर ले लिया है, पैडल मतलब। इसको फटाफट से लेकर चलते हैं आइलैंड के पास, चलो चलो चलो। और मुझे एंकर भी तो बनाना है वरना मेरी गाड़ी इधर उधर घूमती रहेगी। एंकर हम बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। ये टेम्पररी एंकर होने वाला है, मतलब एक बार यूज करने के बाद ही खराब हो जाएगा, तो इसी को भी यूज कर लेंगे। फटाफट से चलते हैं आइलैंड के पास और मुझे तो कोई बढ़िया सा आइलैंड लग रहा है, क्या पता कुछ खजाना वजाना मिल जाए। चलो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं, आ गए हम आइलैंड। तो गाइस राफ्ट को मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ और अपना ये एंकर यहाँ पर रखते हैं और इसको यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। गाइस इस बाल्टी के अंदर बहुत सारे पत्थर है तो ये हमारी राफ्ट को रोक के रखेगी और हम आराम से आइलैंड पर जा सकते हैं। तो देखते हैं इस आइलैंड पर हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या पता कुछ खजाना सोना पानी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। यहाँ पर फ्लावर बहुत मिलते हैं तो मैं फ्लावर जमा क्यों करता हूँ। और गाइस यहाँ पर मुझे बहुत सारे प्लैंक भी मिल सकते हैं और आप देखते हो मुझे कोकोनट भी मिल रहा है और मेरी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है। और देखते हैं क्या हमें कुछ खतरनाक मिलेगा। चलो चलो फटाफट से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से? वो देखो हमारी राफ्ट कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और अभी हम इस आइलैंड के ऊपर ऊपर बिल्कुल आ चुके हैं और यहाँ पर वाटरमेलन मिल चुके हैं। चलो खाने का काम तो हो जाएगा वाटरमेलन से बहुत इजीली। और ये क्या, यहाँ पर मुझे क्रेट मिल चुकी है। और कैसा आप देख सकते हो मुझे मिल चुका है सिंपल फिश स्टू और ये भी दो तीन चीजें मिल चुकी है। इससे हम बना सकते हैं एक फिश का सूप जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। और वो शार्क की बच्ची फिर से आ गई, क्या बोलते हो? एक और बार मारा जाए शार्क को। अभी छोड़ो, अभी फटाफट से अपनी राफ्ट के अंदर बैठ जाते, बहुत ही तेज बारिश भी हो रही है। तो फटाफट से अपना एंकर कर देते हैं रिमूव और अपनी राफ्ट को लेकर चलने देते हैं। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अभी ऊपर से बारिश होती है तो हम कहाँ पे छुपेंगे, इसलिए यहाँ पर एक बढ़िया सा रूम बनाने की। तो मेरे पास बहुत सारे प्लैंक्स और प्लास्टिक तो है ही, तो मैं उससे बढ़िया सा रूम भी बना देंगे। तो फटाफट से चलते हैं, पहले थोड़ी सी राफ्ट को पीछे से बड़ा कर देंगे ताकि ये रूम को ढंग से बना पाए। यहाँ पर लेके जाएंगे और ये मेरे ख्याल से इतना बहुत रहेगा। अब फटाफट से हम जाएंगे इधर, हमें चाहिए यहाँ पर वुडन की वॉल, वुडन या फिर पाम लीफ वाली, वुडन वाली सही रहेगी अभी। तो फटाफट से यहाँ पर बना देते हैं हमारे रूम की दीवारें और मुझे खिड़की वाली भी तो चाहिए, तो एक खिड़की भी यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर डन, यहाँ पर भी खिड़की लगा देते हैं और यहाँ पर नॉर्मल वॉल लगा के और मेरे प्लैंक खत्म हो गए। और गाइस अब यहाँ देख सकते हो हम यहाँ पर इस पूरे रूम को कंप्लीट करने वाले, थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। प्लैंक बहुत सारे प्लैंक पड़े मेरे पास सही में, तो फटाफट से यहाँ पर एक खिड़की वाली विंडो लगा देते हैं, एक खिड़की और एक खिड़की यहाँ पर। और हमें डोर चाहिए, डोर होगा यहाँ पर, ये डोर बढ़िया लग रहा है। ये मोटा वाला डोर लगा तो कितना अच्छा लगेगा, पर अभी मेरे पास इतना सामान नहीं है। लीफ वाला मैं लगा सकता हूँ पर वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं नॉर्मली लगा देते हैं। यहाँ पर लगा देंगे इसका डोर। अरे मेरे पास नेल्स तो है ही नहीं, मैं डोर बना ही नहीं सकता, पर हम नेल्स जरूर बना सकते हैं। तो हमें चाहिए होंगे नेल्स, यहाँ पर हमें चाहिए स्क्रैप। स्क्रैप हमारे पास पड़ा है क्या? और मेरे पास तो यहाँ पर मुझे नेल्स ही मिल चुकी है। फटाफट से बन जाएंगे अपने यहाँ पर और इसको लगा देते हैं। ये बन गया अपना मोटा वाला डोर, हमने यहाँ पर लगा दिया। और इस साइड भी क्या लगा दिया, ये लगा देते, चलो डन। तो गाइस अब यहाँ देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया रूम हमने यहाँ पर बिल्कुल रेडी कर दिया है। अब हमें इसको ऊपर से बंद करना पड़ेगा वरना बारिश तो आती रहेगी ना। तो फटाफट से इसको ऊपर से बंद करने के लिए हमें चाहिए होगा वुडन फ्लोर, तो फटाफट से वुडन फ्लोर यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। ये बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। और गाइस अब आप देख सकते हो हमारा रूम यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है बस, और ये रेडी हो चुका है। और गाइस अगर हमें इधर भी लगाना तो हमें यहाँ पे पोल लगाने पड़ेंगे, उसके बिना हम यहाँ पर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर लगा लेते हैं एक डंडा और इसके साथ फ्लोर भी लग जाएंगे। अब ये बन गया एक, और यहाँ पर भी डंडा लगाना पड़ेगा, मेरा रूम पूरा डंडे से भर जाएगा। कोई बात नहीं, अब इसको यहाँ पर लगा देते हैं डन। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया रूम हमने यहाँ पर बिल्कुल रेडी कर दिया। और यहाँ पर मैं स्टेयर्स भी लगवा सकता हूँ अपने लिए, तो यहाँ पर स्टेयर्स लगाना
बनाने का ट्राई करते हैं। डन। और गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, हमारा फर्स्ट फ्लोर बन चुका है इस बढ़िया सी राफ्ट में। इसके अंदर हम आराम से जाकर सो सकते हैं, अपने बेड को यहाँ से उठा लेते हैं और इसको लेकर जाकर इधर अंदर यहाँ पर रख देते हैं। लेट्स गो, ये भी डन। और ये सारी की सारी क्राफ्टिंग टेबल और ये सब भी मैं अंदर रख दूंगा। अभी यहाँ पर थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मजा आ गया। और भी पानी भर के यहाँ पर रख देंगे ताकि वो गर्म होने लग जाए, और यहाँ पर थोड़ी लकड़ियां लगा दे ताकि ये पकने शुरू हो जाए। तो गाइस अभी आप देख सकते हो आज हमने सही में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर दी है। हमारी राफ्ट कितनी ज्यादा बढ़िया लगने लग चुकी है, सेल हमारी लग चुकी है, फर्स्ट फ्लोर हमारा बन चुका है। और तो क्या ही चाहिए, और मैं चाहे तो इसको फ्लोर को और भी ऊपर लेके जा सकता हूँ। यहाँ पर एक और फ्लोर बना देंगे, फिर यहाँ पर और इसे पूरा का पूरा ऊपर चले जाएंगे। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगने वाला है जो कि, पर अभी के लिए इतना बहुत रहेगा। तो जितनी वुड मेरे पास बची है उससे मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूँ। जितनी हमारे पास बची है उतनी लगा देंगे ताकि हमारी राफ्ट और भी ज्यादा बड़ी हो जाए। तो कहे सर अभी आप देख सकते हो मेरे पास ये साइन बोर्ड भी आ चुका है, इसको हम लगाकर यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, वरुण की हवेली। इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, वरुण हवेली भी नहीं आ रहा यार, कितना छोटा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर अभी मैंने इसका नाम रख दिया डॉन हवेली, क्योंकि इतना बड़ा नाम यहाँ पर आ नहीं रहा था। और गाइस यहाँ पर मेरे चेयर्स भी आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं चेयर्स भी लगा सकता हूँ। ये एक ऐसे लगा देंगे और एक यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, और ये भी बढ़िया हो गया। और एक यहाँ पर लगा देंगे, डन। और एक यहाँ पर लगा देते, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग चुका है। क्या मेरे पास टेबल है? पर ये बहुत ज्यादा बड़ी टेबल नहीं है, ये टेबल थोड़ी ज्यादा ही बड़ी है। पूरी की पूरी लोहे कचरे से बनी हुई है, पर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बढ़िया है। अब हम चेयर्स को उठा के वापस से यहाँ पर रख सकते हैं, इनको डंग से यहाँ पर रख देंगे। और ये क्या, ये शार्क की बच्ची फिर से आ गई, ये निकल यहाँ से। उसको भी हमने यहाँ से भगा दिया है। अब यहाँ पर अपन चेयर्स लगा देते हैं, उठा के यहाँ पर लगा दी, यहाँ पर भी लगा दी। वो अलग बात है मैं इस राउंड पर अकेला हूँ, मैं पता नहीं क्यों इतनी सारी चेयर्स लगा रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताना कैसा लगी आपको हमारी खतरनाक सी राफ्ट। आज हमने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस यहाँ पर कर लिए और मुझे प्यास लग रही, तो यहाँ पर जाके अपन पानी पी लेंगे, इसको फटाफट से पी लेते हैं। तो गाइस ये था हमारा 30 डेज 30 गेम चैलेंज का खतरनाक सा गेम राफ्ट। अगला गेम हम कौन सा खेले फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।